देश में दिन प्रतिदिन बढ़ रही अपराधी घटनाओं के चलते हरियाणा के करनाल में चोरों ने दिन दहाड़े सेंध लगाकर एक घर से लाखों की चोरी कर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार करनाल के इब्राहिम मंडी इलाके में चोरों ने उस समय मकान में सेंध लगाकर चोरी की जब मकान मालकिन घर पर नहीं थी। मैं तो पौने दो बजे घर आई हूँ, ताला खुला था, ताला दरवाजा ऐसे बला हुआ था। हाय, हाय, 15 तोले सोना, 30,000 रुपया पड़ा था मेरा। तो आप ऐसे ताला लगा के गए थे गेट को? गेट वो तो ताला लगा के ही गई थी। ताला भी नहीं है ना? ताला भी नहीं है, चाबी मेरे पास है, प्रेम रानी। पुलिस के अनुसार चोरों ने घर में घुसकर 15 तोले सोना व 30,000 रुपए नगद चोरी किए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पूरा मामला तो यह है कि हमें सूचना मिली थी भी इब्राहिम मंडी में एक मकान में चोरी हो गई है। जो मौके पाए हैं वो प्रेम नाम रानी नाम की औरत है, जिसने बताया कि वो लिज्जत पापड़ फैक्ट्री में नौकरी करती है। सवेरे 6:30 बजे मकान से गई थी, ताला लगा कर गई थी। जो 1:30-2 बजे आई तो मेरे मकान का और अलमारी का ताला टूटा हुआ पाया और उसमें से जेवरात सोना करीब 15 तोले और 30,000 रुपये नगद चोरी होना पाया। तो उसकी अभी किसी पर कोई शक नहीं है, कार्रवाई की जा रही है, जल्दी कोई ट्रेस करने के प्रयास किए जा रहे हैं। दिन दिहाड़े हुई इस चोरी से इलाके के लोगों में सहम का माहौल बन गया है। इंडिया 24 के लिए न्यूज डेस्क से रुपिंदर पवार के साथ करनाल से जोगिंदर सिंह की रिपोर्ट।